नमस्कार, मैं आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। आज का व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के यूजी हिंदी कोर्स सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कहानी के अभिप्राय, स्वरूप और तत्व पर चर्चा करेंगे। कहानी शब्द संस्कृत के कथनिका से उद्गृत है, जो प्राकृत भाषा में कहानियाँ तथा वर्तमान में भी सिंधी, मराठी आदि भाषाओं में कहानी के रूप में प्रचलित है। कथ्य का शाब्दिक अर्थ कहने, सूचित करने या अभिव्यक्ति करने के रूप में लिए जाते हैं। इस आधार पर कथनिका एक ऐसी साहित्यिक विधा की ओर संकेत करती है जिसमें कहने पर बल दिया गया है। प्राकृत में कहण को कथन के अर्थ में प्रयोग करते थे। वर्तमान हिंदी में कहानी का अर्थ छोटी कथा, किस्सा, आख्यायिका, झूठी बात, गढ़ी बात या बनावटी बात है। कहानी के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। सबसे पहले हम लोग पश्चिम विद्वानों के द्वारा दिए गए मत पर चर्चा करेंगे। कहानी को पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। पाश्चात्य देशों में एडगर एल पो आधुनिक कहानी के जन्मदाताओं में प्रमुख माने जाते हैं। उन्होंने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है कि छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया है, वह स्वतः पूर्ण होती है। अतः यहाँ पर उनका मानना है कि कहानी की जो कथा वस्तु है वो छोटा होता है या छोटी होती है और उसे मैंने पढ़ते हुए पाठक नीरस ना हो और वो एक ही बैठक में वो पढ़ जाए और उसके पीछे लेखक का उद्देश्य का जो लेखक बताना चाह रहा है वो पाठक भलीभांति समझ सके। हटसन के अनुसार लघु कहानी में केवल एक ही मूल भाव होता है, उस मूल भाव का विकास तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की एक निष्ठता से सरल स्वाभाविक गति से किया जाना चाहिए। यहाँ पर हटसन विशेष बल देते हैं कहानी के मूल भाव पर और वो भी मूल भाव के आधार पर आप जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वो आपके लॉजिकली निष्कर्ष आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसी तरह एलरी ने कहानी की परिभाषा देते हुए उसकी सक्रियता पर अधिक बल दिया है। उन्होंने लिखा है कि वह घुड़दौड़ के समान होती है, जिस प्रकार घुड़दौड़ का आदि और अंत महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार कहानी का आदि और अंत ही विशेष महत्व का होता है। अतः यहाँ पर एलरी ने कहानी के आदि और अंत को महत्वपूर्ण बताया है। अब हम लोग आते हैं भारतीय विद्वानों के परिभाषाओं पर विचार करेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास का मत है कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाटकीय आख्यान है। इस प्रकार उन्होंने कहानी में नाटकीयता पर अधिक बल दिया है, किंतु निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को वे आवश्यक मानते हैं। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद कहानी पर विचार करते हुए कहते हैं कि कहानी या गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार वे कहानी में जीवन के किसी अंग या मनोभाव की अभिव्यक्ति अनिवार्य मानते हैं। ऐसा ही हटसन ने कहा था, लेकिन प्रेमचंद उस कहानी को सर्वोत्तम मानते हैं जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। कहानी के परिभाषा देते हुए बाबू गुलाब राय कहते हैं, छोटी कहानी एक स्वतःपूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति
केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो। सच तो यह है कि कहानी को किसी भी परिभाषा में बांध पाना इतना आसान नहीं है। हम संक्षेप में कहानी के लक्षणों पर चर्चा करते हैं। कहानी का पहला लक्षण है, या पहले लक्षण के आधार पर हम देख सकते हैं कि कहानी में जो मूल भूत बात होती है कि कहानी का आकार छोटी होता है और एक घंटे में या एक बैठक में पढ़ी जा सके। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं उपन्यास विस्तृत होता है और उसे पढ़ने में कई कई दिन लग जाते हैं, उसके आधार पर कहानी में एक छोटी घटना का वर्णन होता है जिसकी वजह से कहानी का आकार भी छोटा होता है। दूसरा लक्षण है, कहानी में जीवन के एक तथ्य का, एक संवेदना अथवा एक स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण होता है। आप उपन्यासों में देखते हैं कि कहानी उपन्यास की कथा में जो कथा का प्लॉट होता है वो बहुत विस्तृत होता है, लेकिन हम जब कहानी पर बात करते हैं या कहानी का प्लॉट चुनते हैं तो उस पर जो कथा होती है कि किसी के जीवन में किसी एक घटना के आधार पर कहानी हो सकता है या किसी के जीवन के एक पक्ष पर भी कहानी हो सकता है। तीसरा लक्षण है, कौतूहल और मनोरंजन कहानी का आवश्यक गुण है। अतः इसमें कहा जा रहा है कि जब आप कहानी को पढ़ रहे हैं तो आपके मन में हमेशा ये भावना जागते रहेगी कि आगे क्या होने वाला है। आप उसको कौतूहलतापूर्वक आप उसको पढ़ेंगे और इसी कौतूहलता के कारण आप पूरी कहानी को एक बैठक पर समाप्त कर देते हैं। चौथा लक्षण है, कहानी में जीवन का यथार्थ होता है। वह यथार्थ ऐसा हो जो कल्पित होते हुए भी सच्चा लगे। माने आप जो भी लेखक किसी भी तरह की कहानी लिखता है या उपन्यास लिखता है तो वो कहीं ना कहीं वो वास्तविक जीवन से प्रेरित रहता है। जो कहानी के लिए आपका कथा का चयन हो या कि किसी भी घटना का चयन हो, वो हमारे और आपके समाज से ही एकत्र करते हैं और इसी कारण ज़्यादातर कहानियाँ यथार्थ के धरातल पर लिखी जाती हैं। और कहीं कहीं आप कल्पना का भी प्रयोग करते हैं लेखक, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि ये घटना इस सच्ची कहानी को बयां कर रही है। पांचवा लक्षण है, कहानी में तीव्रता और गति आवश्यक है। विद्वानों ने उसे 100 गज की दौड़ कहा है। माने ऐसा है कि आपको कहानी पढ़ते हुए नीरस नहीं लगना चाहिए। कहानी अपनी एक तीव्र गति से जिस तरह शुरू होती है और पढ़ते पढ़ते वो खत्म हो जाए। छठा लक्षण है, कहानी में एक मूल भावना का विस्तार आख्यानात्मक शैली में होता है। कथा तत्व की प्रधानता होती है। अब हम लोग जो अंतिम लक्षण में आया कथा तत्व, हम लोग उसी कथा तत्व पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखते हैं कि कभी कभी आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किसी कहानी का नाम लेकर कि इस कहानी की कहानी को कथा तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वो तत्व क्या है जिसके आधार पर हम समीक्षा करें। आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं जैसे कि वो कहानी का पोस्टमार्टम होता है। कहानी के हर एक चीज़ को जो उसके अंदर मौजूद है उसे एक एक करके हम लोगों को एक एक करके उस कहानी से निकाल कर उसके आधार पर कहानी की हम लोग समीक्षा करते हैं। जो पहला तत्व आता है कहानी की समीक्षा करते हुए जब हम लोग लिखते हैं तो हम पहला तत्व के आधार पर कथा वस्तु को लेते हैं। कथा वस्तु को कहानी की रीढ़ कहा गया है क्योंकि घटनाओं के क्रम और विकास में एक सहारे की आवश्यकता होती है जो कथा वस्तु के द्वारा प्राप्त होती है। कथा वस्तु के ताने बाने में गठाव होना चाहिए। उसके आरंभ, मध्य और अंत को एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें
कहानी का पूर्ण उद्देश्य छिपा होता है। कहानी में कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, कथा के विस्तार के लिए इसमें अवसर नहीं रहता है। कथा वस्तु का आरंभ घटना से किया जा सकता है और साधारण बात से भी। पूस की रात कहानी में घटना पूस की रात कहानी में घटना एक रात की है। इसी प्रकार आप ठाकुर का कुआं कहानी में भी देखेंगे, घटना एक रात की है। कहानी में किसी ऐसी अनावश्यक बात का वर्णन नहीं होना चाहिए जो मूल कथा से जुड़ी ना हो। कल्पना की जगह जीवन के यथार्थ से जुड़ी घटना आज की कहानी में आदर्श समझी जाती है। कथा वस्तु का विकास, विवरण, वार्तालाप, अंतर्द्वंद, डायरी या पत्र शैली के द्वारा किया जा सकता है। राधिका रमन की कहानी कानों में कंगना का प्रारंभ वार्तालाप शैली में है, जबकि प्रसाद की गुंडा कहानी का परिचयात्मक रूप में। अब जो दूसरा तत्व है वो है चरित्र चित्रण। कहानी के क्रम में चरित्र चित्रण को उपन्यास और नाटक की अपेक्षा में महत्व कम दिया गया है। वरन कुछ समालोचकों ने इसे कहानी के अनावश्यक अंश के रूप में दिया है। कहानी के पात्रों में केवल संकेत ही किए जा सकते हैं, इनका विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह है कि कथानक में व्यक्तित्व के सम्मिलित होने से घटनाओं और वातावरण में प्राण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जीवन व्यक्तिगत मानवीय सोच एवं कर्म का दूसरा नाम है। कहानी के संक्षिप्त क्षेत्र में जीवन के सभी सत्य को प्रस्तुत नहीं करता है। इसके विभिन्न एवं अनेक पहलुओं की ओर कुछ संकेत ही संभव होते हैं, जिनमें किसी विशेष घटना, प्रभाव या भावना को उजागर करने के लिए पात्रों की सहायता ली जाती है। जिन कहानियों में एक से अधिक पात्र लाए जाते हैं वह साधारणतः किसी विशेष पात्र के सहायक होते हैं। अतः कहानी में जो चरित्र चित्रण का अंश है वह बहुत सीमित है। इसी तरह जो तीसरा तत्व है परिवेश। कहानी किसी न किसी स्थान और समय से संबंधित होती है, जिसे परिवेश कहते हैं। कहानी में उचित स्थान तथा काल का वर्णन सजीवता लाता है। यदि कहानी की घटनाएं गांव में घटित होती है तो उसके स्थान पर शहर का चित्रण उचित नहीं है। गांव में संबंधित सारी बातें उसमें आनी चाहिए, जैसे घर आंगन, खेत खलियान, पशु चौपाल, लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन आदि सभी परिवेश के अंतर्गत आते हैं। कहानी में लंबे चौड़े विवरण का स्थान नहीं रहता है, इसीलिए कहानीकार संक्षिप्त में ही कहानी के अनुकूल परिवेश का चित्रण करता है। परिवेश के स्वाभाविक चित्रण के लिए यह जरूरी है कि कहानीकार जिस स्थान एवं कला की घटना को ले उसके बारे में उसे सही जानकारी हो। इसके अभाव में कहानी में अस्वाभाविकता आ जाएगी, जिसको आपको पढ़ते हुए लगेगा कि यह कहानी में यथार्थ से कहीं दूर है और इसमें कृत्रिमता के भाव अधिक है। अब हम लोग चौथा तत्व संरचना शिल्प की बात करते हैं। संरचना शिल्प के अंतर्गत भाषा शैली एवं संवाद पर विचार किया जाता है। सबसे पहले हम लोग शैली पर बात करेंगे। कहानी लिखने का जो ढंग रचनाकार अपनाता है उसे शैली कहते हैं। प्रत्येक कहानीकार अपने ढंग से कहानी लिखता है, इस कारण कहानी की शैली में विभिन्नता रहती है। विषय वस्तु एवं लेखक के अभिरुचि के अनुसार भी कहानी की शैली भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानियों में शैली की विभिन्नता देखी जा सकती है। कथानक के अनुसार कहानी डायरी शैली, आत्मकथात्मक शैली, पूर्ववृत्ति शैली आदि का प्रयोग करता है। अब संवाद। कहानी के पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं उन्हें संवाद कहते हैं। संवाद से कहानी आगे बढ़ती है।
सफल कहानीकार पात्रों के अनुकूल संवादों का आयोजन करता है। यदि एक अनपढ़ पात्र शिक्षित की तरह बोलने लगे तो इसमें अस्वाभाविकता आ जाएगी। काल एवं स्थान के अनुसार पात्रों के संवादों में भी परिवर्तन होता है। यदि कहानी ऐतिहासिक है और स्थान राजस्थान है तो कहानी के पात्र उस स्थान के अनुकूल वार्तालाप करेंगे। यदि कहानी लखनऊ से संबंधित है तो पात्रों के वार्तालाप में उर्दू के शब्दों का प्रयोग स्वभावतः होगा। इसी तरह आप कह सकते हैं कि अगर कहानी आपके मधुपुर से संबंधित हो तो वहाँ जो स्थानीय भाषा है उसके पात्र उसी भाषा में बात करेंगे, तब कहानी में सजीवता आएगी। अब हम भाषा पर चर्चा करेंगे। भाषा के द्वारा कहानीकार कहानी में सजीवता, स्वाभाविकता एवं रोचकता ला सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कहानीकार का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। कहानी में जहाँ लेखक अपना विचार रखता है वहाँ उसकी अपनी भाषा होगी, लेकिन जब कोई बात पात्रों के द्वारा कहलवाई जाए तब पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग आवश्यक है। कहानी की भाषा सरल, सुबोध एवं बातचीत के रूप में होनी चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग कहानी समझने में बाधा उत्पन्न करती है। आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी गांव के पात्र का अपने कहानी में संयोजन करते हैं और जब उनसे संवाद कराते हैं तो हमें उस गांव के जो स्थानीय भाषा का संवाद उस पात्र के लिए सुगठित करना पड़ेगा। नहीं तो अगर किसी भी गांव के पात्र अगर शुद्ध हिंदी में बात करने लगे तो वो आपको कहीं ना कहीं कृत्रिमता का बोध कराएगा। इसीलिए कहानी में जो पात्रों का संवाद होता है और उसकी जो भाषा होती है वो उस पात्र के अनुरूप ही होनी चाहिए। अब अंतिम कहानी का तत्व है प्रतिपाद्य। थोड़ा भारी भरकम शब्द है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सरल है। कहानी के द्वारा लेखक जो संदेश देना चाहता है उसे प्रतिपाद्य कहते हैं। सफल कहानी कथा वस्तु, पात्र, परिवेश, शिल्प आदि तत्वों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसकी सफलता गंभीर उद्देश्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए शतरंज के खिलाड़ी में प्रेमचंद का उद्देश्य यह दिखाना था कि तत्कालीन राज्य एवं समाज की अवस्था इतनी अवनत की गई थी कि बिना प्रतिरोध के अंग्रेजों ने अवध राज्य पर अधिकार कर लिया था। अतः प्रतिपाद्य का अर्थ ये हम सरलता से यही समझेंगे कि लेखक जो उस कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहता है। हर कहानी लिखने के पीछे लेखक का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और वो अपने उद्देश्य को पाठकों तक भली भांति अपने कहानी के माध्यम से पहुंचा सकता है तो वो कहानी सफल होती है। ये आपका कहानी के परिभाषा और तत्व रहा। अब अगले कक्षा में हम लोग आपके सिलेबस से संबंधित किसी कहानी की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।